Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9. Chemistry is matter around us pure part 3. ठीक है, तो last class में बहुत हद तक complete हो गया था हम लोगों को. अगर किसी ने देखा नहीं है तो मैं यहाँ पे link डाल दूंगा, वो देख लेना. ठीक है, और आज क्या है, बेसिकली दो टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग बुक से, मतलब एस चंद से, और बाकी सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम लोग टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत लेंगे, इतना नहीं चाहिए. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी देखो क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबल? कोई भी चीज अगर घुल जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबल. हाँ कि नहीं बोलो. लाइक सपोज यू कंसिडर वाटर एंड सैंड, तब वो घुल जाएगा. सैंड क्या वाटर में घुल जाता है? नहीं. सो दैट इज नॉट सॉल्युबल सब्सटेंस. अ सॉल्युबल सब्सटेंस इज समथिंग व्हिच इज completely dissolve in the solvent. Yes? तो अगर चीनी को लेते हो या फिर नमक को लेते हो, they are soluble. Now solubility मतलब क्या है, देखो, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specific temperature, ये बात mention करना है temperature का, is known as solubility of a solute in that solvent. ठीक है, तो solubility का definition क्या लिखोगे? The amount of solute, लिखो, the maximum amount of solute that can be dissolved, the maximum amount of solute that can be dissolved in कितना सा, in 100 grams of solvent, 100 grams of solvent at a given temperature, ये बोलना जरूरी है. ठीक है, बिकॉज हमने देखा था लास्ट क्लास में, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल मिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब कोई एक 100 ग्राम का सॉल्वेंट है, सपोज 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है यहाँ पे पानी सपोज 100 ग्राम्स का है, तो यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करना है, तो कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉल्युबिलिटी, मतलब कितना सॉल्यूट इसमें मिला सकते हैं. ठीक है, एक टाइम आएगा कि वहां पे सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा, ऑल्दो इट विल फ्लोट और सस्पेंड इन द वाटर बट इट विल नॉट डिसॉल्व. राइट, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, इन ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसको बोलेंगे क्या हम लोग सॉल्युबिलिटी. ठीक है, आई थिंक प्रोबेबली ये सॉल्युबिलिटी का पार्ट शायद ही तुम लोगों का बुक पे है, फिर भी मैं करा देता हूँ. ठीक है ना, अच्छा तो देखो कॉपर सल्फेट एक चार्ट दिया है. ओके, आई एम रेफरिंग टू पेज नंबर 74 ऑफ एस चंद. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, वहां पे देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है वो 21, मतलब सॉल्युबिलिटी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, ऑफ कोर्स करेगा, मैंने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. ठीक है, तो देखो एक सम है यहाँ से, अगर एक सम मैंने वहां पे दो सम दिया था सॉल्युबिलिटी का लास्ट क्लास में, तो वो कर पाओगे अभी जब एग्जांपल सैंपल प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, तो सैंपल प्रॉब्लम देखो क्या है, सैंपल प्रॉब्लम 1 या फिर सैंपल प्रॉब्लम क्या है, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज डिसॉल्वड इन 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री. ये टेम्परेचर तुमको दिया होगा, लेकिन दैट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, उसका कोई इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं, बिकॉज टेम्परेचर इज फिक्स्ड. ठीक है ना, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन इन द वाटर एट गिवन टेम्परेचर. अच्छा, सॉल्युबिलिटी मतलब किसमें चाहिए हम लोगों को, 100 ग्राम्स में चाहिए. तो देखो बोल दिया कि 12 ग्राम में 12 ग्राम डिसॉल्व होता है किसमें, 75 ग्राम्स में. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, 75 ग्राम्स ऑफ क्या है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट, ओ अच्छा 75 ग्राम ऑफ, नहीं ऐसा तो उल्टा लिखना पड़ेगा, 75 ग्राम ऑफ amount of solute, ऐसे लिखो amount of
of solute, amount of solute dissolved in 75 gram of water. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट क्या है हम लोगों का, पोटेशियम सल्फेट है. पोटेशियम सल्फेट तो डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ व्हाट, वाटर इक्वल्स टू कितना है 12 ग्राम ना, 12 ग्राम. देखो अगर सॉल्युबिलिटी तुमको निकालना है, निकाले दे तो तुमको क्या निकालना है, 100 ग्राम में निकालना है. तो 75 ग्राम ऑफ वाटर में 12 ग्राम डिसॉल्व होता है, तो 1 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा, यूनिट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या होगा, 12/75 ग्राम. ठीक है, और क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम. देखो तुमको पूछ क्वेश्चन में बोल ही दे रहा कि 100 ग्राम में निकालो, तुमको समझना है व्हेन इट इज, व्हेन दे हैव आस्क्ड कि सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी मतलब ही इतना है 100 ग्राम में निकालना है. तो 100 ग्राम ऑफ वाटर ये क्या होगा, 12/75 × 100 ग्राम. ठीक है, इसको अगर तुम काटाकुटी करोगे 5 से जाएगा ना, 5 15 = 75, 5 2 = 10 = 20, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 3 1 = 3, 3 4 = 12, मतलब 4 into 4 gram, that is 16 gram. मतलब 100 ग्राम में कितना होगा, 16 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. सो दैट इज द सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो ये अगर कर पाए तुम लोग, तो अभी तुम क्वेश्चन नंबर, किसी ने बोला था कि मुझको 6 और 7 कर नहीं पाया शायद, 37 नंबर इसी के ऊपर. तो ये अगर समझ में आ गया तो 38 और 37 कर लेना घर पे. नहीं देखो एक सिंपल सा छोटा सा पार्ट है, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और क्या है, केमिकल चेंज. अच्छा अभी बताओ ये क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है. कोई अगर those changes in which new substance are formed is called physical change. Suppose मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है और या फिर एक पेड़ है, उसको काट के ही हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी wooden material बनाते हैं, right? तो उसमें क्या होता है, physical change या chemical? वो chemically कुछ changes होता है क्या? वो wood का तो wood ही रहता है. When it was in tree, then also it is wood. When you have made furniture from that, there is also a wood. ठीक है, तो जहाँ पे उसका सिर्फ physical form का change होता है, वो ऐसा था, shape change करके उसको तुमने कुर्सी बना दिया. So जब shape changes का बात आता है, then we talk about this is a physical change. That means chemically कुछ change नहीं हुआ, ठीक है ना? और chemical change क्या होगा? कोई भी चीज को अगर तुमने, जैसे hydrogen, hydrogen को oxygen के साथ मिलाने से क्या होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, और क्या बोल सकते हो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कोई एक फ्रूट कच्चा था उसको पक गया, वो केमिकली अंदर चेंज हुआ, इसीलिए वो केमिकल चेंज में आएगा. ठीक है, तो देखो फिजिकल चेंज का डेफिनेशन है, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल देख लो, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन टू स्ट्रीम, ये सब जो जो एग्जांपल है देखने से समझ में आएगा, जहां पे सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज होता है, केमिकली कुछ रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, फिजिकल चेंज का डेफिनेशन लिखोगे अलोंग विद सम एग्जांपल. ठीक है, ये सिर्फ इतना करने से हो जाएगा, उतना नहीं चाहिए. एंड केमिकल चेंज देखो पेज नंबर 78 में यू विल गेट, दोस चेंजेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड आर कॉल्ड केमिकल चेंज. जहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, एक लकड़ी का एक वुडन पीस को काट के तुमने फर्नीचर बनाया, उसका सिर्फ शेप चेंज हुआ, कोई नया चीज फॉर्मेशन नहीं हुआ. सो दैट इज व्हाई इट वाज अ फिजिकल चेंज. लेकिन केमिकल चेंज में अगर बोलते हो कि बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम वायर, तो पहले वो मैग्नीशियम वायर था, फिर बर्न होने के बाद वो मैग्नीशियम वायर नहीं रहेगा, वो मैग्नीशियम का ऐश रहेगा, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड.
ठीक है, सो दैट इज व्हाई देयर इज दे हैव केमिकली चेंज्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, केमिकल चेंज। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। एक आयरन का टुकड़ा लिया तुमने, उसको पानी में फेंक दिया या फिर हवा में ऐसे ही रख दिया, तो बहुत दिनों के बाद या फिर वन वीक के बाद तुमको दिखाई देगा कि इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, रस लगा हुआ है, तो दैट इज व्हाट, क्या है वो, दैट इज केमिकल चेंज। वो आयरन से आयरन फेरिक ऑक्साइड हुआ, ठीक है, या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, सो दैट इज अ केमिकल चेंज, जहाँ पे नया सब्सटेंसेस फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क को रखो, कर्ड मिलाओ, एक दिन रख दो, सुबह उठ के देखोगे, ओवरनाइट अगर रख दोगे तो सुबह उठ के देखोगे कि पूरा चीज दही में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स इट वॉज अ केमिकल चेंज। सो दोनों का डेफिनेशन लिख लो, बुक्स है यहाँ पे है इस चैनल पे, और एक एक एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, ओके। और इन दोनों का एक डिफरेंस है, देखो पेज नंबर 79 में, वो कॉपी में लिख के सीख लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यहाँ पे तो सिर्फ लिखोगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और एक कॉलम बना के वो दोनों का लिख लेना और सीख लेना, बहुत सिंपल सा ही है। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे कॉल करना, आई होप इसको ये सिंपल इंग्लिश में लिखो है, ठीक है, क्लियर इतना तक, ओके। अच्छा देखो, नाउ क्या है, सेपरेटिंग द कंपाउंड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अगर हम लोगों को पता है ना कि अगर कंपाउंड है तो वी कैन नॉट सेपरेट आउट बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड्स, ठीक है ना, जैसे वाटर से तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल पाओगे क्या, फिजिकली नहीं निकाल पाओगे। सो इसके क्या दिया है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, अगर ये होमोजेनस मिक्सचर है या फिर हेटरोजेनस मिक्सचर, दोनों को ही सेपरेशन का टेक्निक्स है अलग अलग, ठीक है। सो फॉर दिस पर्पस यहाँ से हम लोग मेन बुक स्टार्ट करेंगे, गो टू पेज नंबर 19 ऑफ योर मेन बुक, देयर यू विल फाइंड सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि टू ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इट्स ब्लू और ब्लैक इंक, ठीक है, सपोज एक ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का इंक है, पहले जो हम लोग यूज करते थे ना इंक, इंक पेन में इंक जो भरते थे, व्हाट इज दैट इंक, दिस इज दैट इंक, ओके। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, एक ये बर्नर में बीकर लिया, वहां पे पानी गर्म करने बिठा दिया, ठीक है, और पानी के ऊपर एक ऊपर एक वाच ग्लास बोल के एक चीज है, वाच ग्लास बोलते हैं नथिंग बट अ प्लेट ऑफ प्लेट मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाच ग्लास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाच ग्लास, ठीक है। इसके ऊपर जो ब्लू या फिर ब्लैक कलर का इंक यहाँ पे हम लोगों ने डाला, ठीक है, तो अल्टीमेटली वी आर नॉट हीटिंग इट डायरेक्टली, बट वो हीट होगा कि नहीं, मोमोज कैसे बनाते हैं, नीचे गर्म होता है ना पानी, बॉयल होता है, और ऊपर जो वेपर निकलता है उसमें से ही मोमो मतलब स्टीम होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे तुमने आग दिया, यहाँ से बॉयल होना स्टार्ट करेगा पानी, एंड एज इट बॉयल्स ये ऊपर जाएगा एंड इट विल टच द सर्फेस ऑफ दिस वॉच ग्लास, और क्या होगा, ये जो ऊपर का जो इंक है ब्लू या ब्लैक कलर का, उसमें से उस इंक को कैसे बनाया था, पाउडर लिया और वाटर लिया, दोनों को मिक्स किया था, तभी वो इंक बना ब्लू या फिर ब्लैक कलर का इंक। तो जब उसको हीट करोगे उसमें से जो वॉलेटाइल पार्ट है, वॉलेटाइल मतलब ये जो पार्ट तुम्हारा उड़ जाएगा, ठीक है, जो वाटर इज अ वॉलेटाइल पार्ट, ठीक है, तो वॉलेटाइल पार्ट को हम लोग अगर हीट करेंगे तो वो उड़ जाएगा, इट विल वेपोरेट, तो वेपोराइज जब हो जाएगा उसमें से क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड फॉर्म में बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम सोचना, हम लोग जो कलर ब्रश यूज करते हैं ना, कलर पेंसिल या फिर वाटर कलर जो यूज करते हैं, तो वाटर कलर में वो जो एक प्लेट होता है ना, उस प्लेट में अगर तुम कलर करते हो, नेक्स्ट दिन अगर आते हो देखना, वो अगर सूख जाएगा तो वो पाउडरी फॉर्म में आ जाता है, वही चीज होता है ना यहाँ पे भी। अल्टीमेटली क्या है, ये जो ब्लैक या फिर ब्लू कलर का इंक बनाया, कैसे बनाया, ब्लैक या फिर ब्लू कलर का डाई लिया, पाउडर डाई, उसको पानी के साथ मिक्स किया या फिर कोई भी सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, सो उसको हम लोग इवेपोरेट कर दिया, तो रहेगा क्या, अगर पानी का पार्ट वाटर का कंटेंट अगर इवेपोरेट हो जाएगा, देन वी आर लेफ्ट विथ सॉलिड पाउडरी सब्सटेंस, वही हम लोगों को सेपरेट हो गया, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ कैन यू सेपरेट दिस, ये जो मेथड है जो हमने हीट किया और यहाँ से ये पार्ट मतलब वाटरी पार्ट उठ मतलब वेपोराइज हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, द पाउडर सब्सटेंस, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। जब तुमने ये सॉल्यूशन बनाया था इंक या फिर ब्लैक या फिर ब्लू इंक का, कैसे बनाया था, सॉल्यूट था तुम्हारा पाउडरी ब्लैक या फिर ब्लू कलर का डाई, और उसको पानी में दिया, मतलब सॉल्वेंट ये था,
पानी। तो जब हीट किया तुमने, क्या होगा, इसका पानी का कंटेंट ये ऊपर उठ जाएगा और रह जाएगा सिर्फ द वॉलेटाइल पार्ट, मतलब ये जो तुम्हारा क्या है, ब्लू या फिर ब्लैक कलर का टाइप पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन, ठीक है। मुझे पता है कि पहले भी बुक किया था हम लोगों ने इवापोरेशन, ये है सेपरेशन टेक्निक। अगर पूछे कि हाउ कैन यू ऑब्टेन, क्वेश्चन पूछेगा हाउ कैन यू ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या फिर ब्लैक इंक, तो तुमको आंसर लिखना है, 1 मार्क्स का अगर आएगा तो लिखना है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अभी प्रोसेस तुमको मैंने समझा दिया, तो इसको खुद से एक्सप्लेन करोगे। और इसको अगर आता है क्वेश्चन कैसे, मतलब क्यों इवापोरेशन टेक्निक यूज करते हैं, ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो तुमको लिखना पड़ेगा, वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। जो पाउडर रहेगा वो होगा नॉन वॉलेटाइल, वो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसके साथ जो पानी मिक्स करेंगे दैट इज अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। एक एक प्रोसेस का नाम जानो और उसका प्रिंसिपल जानो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, इसमें समझ में आया, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अभी देखो, मिल्क को तुम अगर फिल्टर पर से पास करोगे तो मिल्क में क्या ऊपर क्रीम आ जाएगा, नहीं आता है, ऑफकोर्स ये तो हम लोगों को पता ही है। कभी तुमने देखा टीवी वगैरह में जो दिखाता है कि ऐसे लेके एक ऐसा लकड़ी टाइप होता है जो हम लोग कृष्णा का जो सी मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जो राधा ऐसे करके खींचती है वो दोनों तरफ से, ठीक है। इफ आई कैन आई विल शो द वीडियो, ठीक है। तो वहां पे देखा क्या, ये खींचता है ऐसे, एंड एज ए रिजल्ट ये चक्का नीचे की तरफ घूमता है, ठीक है। ये पार्ट है और यहाँ पे रस्सी लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। जब इसको एक बार खींचते हैं और इसको एक बार खींचते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या है, नीचे भी ऐसे घूमने लगता है, और घूमते घूमते क्या होगा, ये जो हैवी पार्टिकल है वो ऊपर रहेगा और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रहेगा, जो हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है जो घूमता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल मतलब जिसके लिए वो बाहर जाता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल। यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही अप्लाई होता है ताकि जो हैवियर पार्टिकल्स है वो साइड में चले जाए और नीचे गिर जाए, दैट इज द क्रीम नो। एंड ये प्रोसेस का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसका नाम आया सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, समझ में आया ये। अच्छा, तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मतलब कौन सा टेक्निक के ऊपर ये काम करता है। तो टेक्निक क्या है, देखो, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम, जो डेंसर पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, उसको बॉटम में शिफ्ट कराता है, एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रहता है व्हेन स्पन रैपिडली, जब उसको तुम जोर से घुमाते हैं, ठीक है। आई विल ऐड अ वीडियो ऑफ दिस एट द एंड, सो तुम अगर देखा है तो अच्छा है। एंड इसको कहां कहां अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन बुक में ही है, सो राइट फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है, एक्स्ट्रा और नहीं चाहिए। तो देखो इसका एप्लीकेशन पेज नंबर 20 में मिलेगा, यूज टू डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन टेस्ट में यूज होता है, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, वही सेम प्रोसेस बटर और क्रीम सेपरेट करने के लिए यूज होता है, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज ऑल वाटर। अच्छा, वॉशिंग मशीन का काम क्या है, यही चीज होता है ना, एक गमला टाइप होता है, देयर इज अ टब, ओके, एक गमला रहता है और उस गमले में बहुत सारा छेद रहता है, देयर आर लॉट्स ऑफ माइनर होल्स इन इट, जब वो एक तरफ घूमता है तो उसमें से वाटर पार्टिकल्स का बाहर की तरफ निकल जाता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब वॉशिंग मशीन से जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, सेम प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, वो बटर से क्रीम अलग कर सकते हैं, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि डेंसर पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, बॉटम में रहेगा, एंड द लाइटर पार्टिकल टॉप में रहेगा, जब तुम उसको रैपिडली स्पन करोगे और इसका एप्लीकेशन लिख लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है, तो सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल मतलब क्या है, द लिक्विड व्हिच डज नॉट मिक्स, लिक्विड्स व्हिच डज नॉट, व्हिच डू नॉट मिक्स,
डू नॉट मिक्स, जो सब लिक्विड मिक्स नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि पानी और तेल, कोई भी तेल लो, यहाँ पे तुमने बुक में केरोसिन ऑयल लेकर लेके रखा है, तो केरोसिन ऑयल और वाटर को अगर जब मिक्स करोगे तब क्या होगा, दे विल नॉट, दे विल फॉर्म ए लेयर। अगर ऊपर कौन सा हल्का है, ऑयल इज मतलब लाइटर नो, तो ऑयल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है। उसमें से हमको समझ में आएगा कि ऊपर वाला तेल है, नीचे वाला पानी है, ठीक है। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, बाई यूजिंग द प्रोसेस कॉल सेपरेटिंग फनल और एपरेटस। ये चीज है, एपरेटस है, देखो एपरेटस बहुत सिंपल सा चीज ही है, यू विल फाइंड इट इन द बुक। देखो अगर मैं दिखा सकता हूँ तो दिखाता हूँ दिस, ठीक है। दिस इज द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या, इसका काम क्या है, एक फनल टाइप कुछ होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का, और नीचे में एक कॉर्क दिया होता है। तो जो वाटर और केरोसिन का जो मिक्सचर है इसको यहाँ पे अंदर डाल दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वाटर बीइंग हेवियर वो नीचे रहेगा और ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा, ऑयल रहेगा। तो यहाँ से अगर तुम ये नल खोल दो तो पानी निकल जाएगा नीचे से, और ऊपर में जब इतना तक हो गया ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, देन यू स्टॉप द टैप, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट में ऑयल रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट में हम लोगों को पानी मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग इन देयर डेंसिटीज, क्योंकि दोनों में से किसका डेंसिटी हाई है, वाटर का, सो वो नीचे रहेगा, और किसका लो है, वो है ऑयल का, तो वो ऊपर रहेगा, क्योंकि इन दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है, वो लेयर फॉर्म करता है दो अलग अलग, तो उसी के लेयर के हिसाब से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट हैज टू बी एज इट इज, यू कैन नॉट राइट ऑफ योर ओन, ठीक है ना, ये पूरा ऐसे ही लिखो, एसएन में बहुत बड़ा दिया है यहाँ पे, एकदम एक लाइन का है, ठीक है, तो अच्छे से लिखना ये पूरा सीख के। एंड एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन दो तीन याद रखने से ही होगा क्योंकि आता है ये, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द, अच्छा ये किसका है, सॉरी, द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय द मेटल एंड लीव्स द मोल्टन आयरन इन द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो नीचे क्या होगा, फर्नेस में जमा हो जाता है जो हैवी पार्टिकल होता है, और ऊपर में स्लैग जो होता है वो ऊपर से हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टेक्निक्स आर यूज्ड, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे टेक्निक का नाम याद रखना है कि हाँ, इवेपोरेशन टेक्निक क्या था, अच्छा मतलब इंक और वाटर को सेपरेट करना, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या था, बटर से अगर क्रीम निकालना है वो ऐसे लोग तुमको याद रखना है, और हर एक का प्रिंसिपल तुमको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया ये थी? ओके, अभी देखो नेक्स्ट दो टेक्निक डिस्कस करूंगा। वन इज योर, हाउ कैन यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, देखो इन दोनों ही क्या है, पाउडर सॉलिड सब्सटेंस है, तो दो सॉलिड को ये भी दिखने में, ये सॉल्ट तो पता ही है, अमोनियम क्लोराइड भी दिखने में सॉल्ट है जैसे ही, व्हाइट कलर का भी होता है, तो अगर तुम मिक्स कर दोगे तो हाउ विल यू सेपरेट, कैसे करोगे सेपरेट। तो उसके लिए हम लोग क्या टेक्निक करते हैं यूज, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। हम लोगों को पता है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सबलाइम हो जाता है। नाउ सबलाइम क्या है, याद है किया था लास्ट चैप्टर में, सबलिमेशन क्या था, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सबलाइम होता है, या फिर गैस से सॉलिड, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे भी सेम काम किया, तुमने इसको हीट किया, ठीक है, हीट किया इसे, यहाँ पे हीट किया तुमने, ये बुक में डायग्राम है अच्छे से, यहाँ पे क्या लिया तुमने, वो मिक्सचर लिया किस किस का, सॉल्ट और सोडियम अमोनियम क्लोराइड का। अभी अगर इसको एक फनल से ऐसे ढक दोगे और इसके ऊपर में एक कॉटन का प्लग अगर लगा दोगे तो क्या होगा, ये पूरा बंद हो जाएगा और हीट नीचे से होगा। सो एज इट इज हीट, मतलब एज यू आर सप्लाइंग द हीट, तो दोनों मिक्सचर में से सॉल्ट तो हीट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तो लेकिन जब वो अमोनियम क्लोराइड जहाँ जहाँ पे हीट होगा, क्योंकि ये मिक्सचर में है ना, तो वो क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम देखोगे कि फनल का इस तरफ, या फिर इस तरफ, या फिर कॉटन के इस तरफ वो सॉलिड फॉर्म में लगा हुआ है, मतलब तुम उसको कैसे, अमोनिया का एक मतलब बहुत शार्प स्मेल होता है, तो तुम उसको कॉटन प्लग को अगर खोल के नाक के सामने लोगे, सो यू विल फील कि
यहाँ पे एमोनिया, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या है इसका, सब्लिमेशन, ठीक है। प्रोसेस का नाम है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। इसको कैसे लगता है, जो तो मिक्सचर है, मिक्सचर को जब हीट करोगे, एज वी नो कि सॉल्ट डज नॉट सप्लाई, सॉल्ट सॉलिड सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ज्यादा हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एमोनियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली किस में जाएगा, गैस में जाता है, बिकॉज सॉलिड टू गैस इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लाइम होना बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, ठीक है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एप्लीकेशंस तो शायद नहीं है, रुको मैं देख लूं तो एक बार। अच्छा, क्या-क्या चीज है वोलेटाइल सब्सटेंस, एक है अमोनियम क्लोराइड, एक है कैम्फोर। कैम्फोर मतलब क्या है, एक था ना कैम्फोर जो पूजा में यूज करता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, कैम्फोर यूज, आई थिंक यू हैव सीन, वो जो स्मेल आता है ना, वो आग जलाने के लिए यूज करता है, तो दैट इज कैम्फोर, ठीक है। इन बंगाली वी कॉल इट एज कोरपुर, ओके, सो दैट थिंग। नेफ्थलीन भी सेम होता है, अगर नेफ्थलीन और सॉल्ट क्रश करके दे दिया, तो यहाँ पे जब तुम हीट करोगे तो नेफ्थलीन गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो इसका कोई ऐसे एप्लीकेशन है नहीं बुक में, तो इसको नहीं चाहिए एप्लीकेशन। अभी इसका देखो, क्रोमेटोग्राफी क्या है, टू सेपरेट द डाइज इन ए ब्लैक इंक। सपोज मान लो एक तुमने इंक का मिक्सचर बनाया, जहां पे तुमने ब्लू इंक दिया, ब्लू कलर का इंक दिया और रेड कलर का इंक दिया, तो दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। जब तुम लोगे तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। अभी देखो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी, मैं इसके बाद में एक वीडियो लिंक करूंगा तो देखना। तो देखो टेक्निक क्या है कि एक तुम्हारा पेपर लेंगे, क्या पेपर, फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर में तुम एक मार्जिन इतना तक ड्रॉ करोगे, उसके बाद वाला जो ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर से एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप यहाँ पे दोगे, ठीक है। और इसी चीज को क्या करोगे, तुम एक चेंबर पे रखोगे, चेंबर पे रख के पानी और अल्कोहल का जो मिक्सचर है उसको यहाँ तक भिगो दो, पूरा मेक श्योर कि वो ये लाइन के ऊपर ना जाए, ये लाइन के नीचे, थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को पता है क्या वाटर का टेंडेंसी क्या है, जब तुम देखना कोई भी अगर पानी में कोई अगर कॉटन या फिर पेपर रखते हो तो सोक करने का टेंडेंसी है, तो ये क्या होगा, ये तो पेपर ही है ना, फिल्टर पेपर, तो वो क्या करेगा, सोक करेगा, पानी को सोक करेगा। तो पानी जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ये जो तो मिक्सचर है ये भी क्या होगा, ऊपर उठता जाएगा, तो एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि दोनों मिक्सचर, ये क्या क्या मिक्सचर है, ब्लू और रेड कलर का मिक्सचर है ना, तो ब्लू एक तरफ, रेड एक तरफ आ जाएगा और ब्लू और एक तरफ मिक्सचर आ जाएगा, मतलब जो डाई था वो क्या था, अलग अलग मिक्सचर से था ना, सो दोनों का एक चीज होता है आरएफ वैल्यू बोल के, ठीक है। वो अभी नहीं चाहिए, जस्ट जान लो वो आरएफ वैल्यू अलग अलग होता है, इसीलिए ये जब उठेगा ऊपर धीरे धीरे वो सेपरेट हो जाएगा, एक रेड या फिर ब्लू कोई भी एक नीचे रहेगा और दूसरा और एक क्या होगा, ऊपर रहेगा, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो सेपरेट हो गया ना, और इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो ऐसे रख दिया 5 मिनट में नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, एंड आई एम लिंकिंग दिस, लिंकिंग अ वीडियो अलोंग विद दिस, सो दैट इट विल बी बेटर अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया कैसे करना है, तो इसका एप्लीकेशन है, ये इसका एप्लीकेशन अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सो वॉट इज द एप्लीकेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉट, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेसिफिकली बोलता है, क्योंकि यू आर यूजिंग पेपर, तो याद रखना ये पेपर है, ये दोनों क्या है, वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है देखो, एप्लीकेशन है टू सेपरेट द डाइज इन ए कलर, कलर इन ए डाई, तो ये कलर है, देखो पहले जो किया था वो क्या था, ब्लू इंक से तुमने कलर और वाटर पार्ट को सेपरेट किया था इवेपोरेशन से, ये क्या है, तो अलग अलग कलर का डाई है उसको सेपरेट करना है, तो ये टेक्निक क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, ये भी और एक एप्लीकेशन है, और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, सपोज किसी ने अगर ड्रग्स लिया है तो उसका मतलब कैसे टेस्टिंग करते हैं, ऐसे ही करके तुम ब्लड को यहाँ पे रख दोगे थोड़ा, तो वो क्रोमेटोग्राफी मेथड से ऊपर उठेगा ब्लड, तो
ब्लड और ड्रग क्या होगा सेपरेट आउट हो जाएगा. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट आउट ड्रग फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, टेस्टिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना होमवर्क नहीं है, जस्ट वो सॉल्युबिलिटी का 2 काम करना और ये सब अच्छे से कॉपी में उठा लेना, डायग्राम वगैरह करके. ठीक है, एप्लीकेशंस प्रिंसिपल्स वो सब देख लेना. ठीक है, और देख के उठा लेना. आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, मे बी संडे और मे बी डे बिफोर संडे. ठीक है, तो कर लेना ये. और ज़्यादा आज होमवर्क तो नहीं दिया, तो आशा करता हूँ सब लोग करोगे अच्छे से. एंड इफ आई सी समवन हु इज कॉपिंग द सेम थिंग, तुमने क्या किया, कोई कोई आदमी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जो मैथ्स में होमवर्क दिया जैसे मैंने बोर्ड पे समझाया क्वेश्चन मार्क देके, वही तुमने कॉपी में करके मुझे भेज दिया. दैट इज नॉट द वे. व्हेन आई लीव इट फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ वो वाला पार्ट करने के लिए. सब मैं ही कर दूँ तो तुम्हारा माथे में कुछ नहीं जाएगा, जस्ट कॉपी पेस्ट होगा. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड. अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो, और लाइक नहीं किया, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट डाल देना. ठीक है, और सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना. चलो बाय.